Hello students, good morning all of you. Now today I am going to explain you class 11th hornbill book poem number 1st of photograph. चलिए स्टूडेंट तो स्टार्ट करते हैं poem number 1st of photograph. बहुत ही शॉर्ट वे में मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ और काफ़ी अच्छी poem है. poem का एक्चुअली पहले तो मैं आपको टाइटल बता दूँ कि poem किसके रिगार्डिंग है. जनरली हम लोग बोलते हैं कि हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए होंगे पर हर एक इंसिडेंट को हम लोग किस चीज़ में याद करते हैं, एक फोटोग्राफ में. यानी जैसे कि आप लोगों ने कभी स्कूलों के अंदर मस्ती की होगी पर जैसे ही आप लोग आपके फ्रेंड से बिछड़ते हो तो सिर्फ यादें रह जाती है, तो क्या खाली किस में रह जाती है, फ़ोटो में. जब कभी भी आप उन फोटो को देखते हो, जब उस फोटोग्राफ को देखते हो तो आपको वापस वो सभी चीज़ें आपके माइंड में रिमाइंड होने लगती है. तो बस उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर एक पोएम लिखी हुई है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand and see the big girl some 12 years or so. यानी यहाँ पे एक चीज़ की बात है कि एक पिक्चर है जो किस पे लगा हुआ है, कार्डबोर्ड पे. जनरली हम लोग हमारे घर में लगाते हैं ना फ्रेमिंग में, फ्रेमिंग के अंदर जो फोटो को लगाते हैं. Shows me how it was, देखो आज वो पिक्चर कैसा दिख रहा है. When the two girls cousin went paddling, जहाँ पे दो कजिन हैं, दोनों ही बहनें, went paddling, जो आगे बढ़ रही हैं, पैदल जा रही हैं वो लोग. Each one holding one of my mother's hand, दोनों ने ही क्या करा हुआ है, मेरी माँ का हाथ पकड़ा हुआ है. And see the big girl, और उसमें से जो बड़ी लड़की है, जो कितने साल की है, 12 साल की है. तो जो छोटी वाली लड़की होगी वो मैं भी बोल सकता हूँ मैं 9 या 10 ईयर्स की होगी. All three stood still to smile through their hair. वो तीनों के फेस पे आज क्या है, एक स्माइल है, एक खुशी है. और वो खुशी कहाँ पर है, वो स्माइल कहाँ पे, उनके बालों में से, यानी उनके बालों के बीच में. जनरली हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे फेस के ऊपर जब वो हेयर के बीच में से जो स्माइल आती है वो काफ़ी अच्छी लगती है. एट द अंकल विद द कैमरा, मेरे अंकल जो सामने खड़े हुए हैं, जिनके हाथ में कैमरा है, जो क्या कर रहे हैं, उस फोटो को कैप्चर कर रहे हैं, उस स्वीट से फेस को, एक हंसी वाले चेहरे को वो क्या कर रहे हैं, अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं. माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और मेरी माँ मेरे जन्म से पहले जो थी. ओके, जनरली हर एक माँ का होता है ना कि अपने बच्चे के जन्म से पहले माँ बहुत सारी इमेजिन करती है कि भाई मेरा बच्चा मेरे जैसा दिखेगा, उसकी हेयर मेरे जैसे होंगे, उसकी नोज़ मेरे जैसी होगी, उसके फेस मेरे जैसा होगा, उसकी नोज़ मेरे जैसी होगी. ऐसी बहुत सारी चीज़ें माँ क्या करती है, इमेजिन करती है. तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हमको दिया हुआ है. ओके चलिए. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, और वहाँ पे एक समुद्र था जो काफ़ी समय से वैसा का वैसा ही है, जिसके अंदर आज भी कोई चेंजेस आया नहीं है. वॉज देयर टेरेबली ट्रांजिस फिट, जहाँ पर ये क्या करा करते थे तीनों ही जने, अपने पाँव धोया करते थे, यानी समुद्र के किनारे पे बैठ के अपने पाँव को धोया करते थे. सम 20-30 ईयर्स लेटर, पर आज जो ये कहानी वो कितने सालों बाद की है, 20 या 30 सालों के बाद की है. सी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट, और आज वो माँ क्या कर रही है, उस पिक्चर को देख के, स्नैपशॉट यानी उस फोटोग्राफ को देख के क्या हो रही है, हंस रही है. जहाँ पर सी बीटी एंड डॉली, जहाँ पे उसकी दो लड़कियाँ बीटी एंड डॉली, सी हैड से एंड लुक हाउ दे, और वो उनको फ़ोटो के अंदर देख देख के उनके साथ कुछ बातचीत कर रही हैं. ड्रेस अस फॉर द बीच, यानी वो किस में, यानी एक बार जब वो लोग हॉलीडे के लिए जा रहे थे, यानी सी हॉलीडे, यानी कभी वो गर्मियों में कुछ छुट्टियाँ बिताने जा रहे होंगे किसी सी हॉलीडे पे, तो वहाँ पे दोनों ही लड़कियों ने क्या करा हुआ था, कपड़े पहने हुए थे. ड्रेस अस फॉर द बीच, यानी बीच पे जाते टाइम हम लोग जो जनरली ड्रेस पहनते हैं उस तरह के कपड़े उन्होंने पहने हुए थे. वॉज हर पास्ट, और ये सब चीज़ें कब हो चुकी हैं, बीत चुकी हैं, यानी ये सब चीज़ें क्या हो चुकी हैं, आज मेरे दिमाग में से निकल चुकी है, खाली उनकी जो यादें हैं वो मेरे पास रह चुकी हैं. माइन इज़ हर लाफ्टर, यानी आज मेरे पास जो बचा है वो खाली क्या बचा है, हंसने के अलावा मेरी कुछ यादें, कुछ खुशियाँ वो मेरे पास रह चुकी हैं. बोथ वरी विथ अ लेबर्ड एज ऑफ लॉस, बोथ वरी यानी क्या, वरी यानी क्या हो जाना, गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना, यानी उनके साथ जो भी चीज़ें हुई वो सभी चीज़ें आज क्या हो चुकी हैं, मेरे दिमाग में से अदृश्य हो चुकी है, खाली उनके जो यादें हैं वो मेरे पास रह चुकी हैं. ओके चलिए फिर आगे कुछ बोल रहा है. नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एस मैनी ईयर्स, और एक्चुअली पोएम के अंदर ऐसा है कि उनकी दोनों ही लड़कियां बेटी एंड डॉली वो काफ़ी सालों पहले क्या हो चुकी है बेटा, एक्सपायर हो चुकी हैं. एज दैट गर्ल लिव, पर अभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि वो दोनों ही क्या है, मेरे दिमाग में, मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे हार्ट में क्या है, वो लोग जिंदा हैं. एंड ऑफ दिस सरकमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और आज उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फोटोग्राफ है जिसको देख देख के वो बार बार क्या कर रही है, उनकी यादों को ताज़ा कर रही हैं. देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, साइलेंस साइलेंस एंड साइलेंस, यानी वो जैसे ही फोटो को देखती हैं उसके बाद वो क्या हो जाती हैं, टोटली चुप हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं और चुप हो जाती हैं. क्लियर हो गया?
तो आई होप सभी को ये पोएम बहुत ही इजी वे में क्लियर हो चुकी होगी। पोएम की शॉर्ट समरी यही है कि इसके अंदर राइटर जो पोएट हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी यादों को फोटोग्राफ के माध्यम से क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। यानी कुछ समय पहले उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो अपने दिमाग से उसको निकाल नहीं पा रही हैं, वही कुछ यादें उनके साथ जब भी वो फोटोग्राफ को देखती हैं तो वही सब यादें उनके दिमाग में ताज़ा हो जा रही हैं। क्लियर है? तो आई होप आप सभी को ये पोएम बहुत ही इजी वे में क्लियर हुई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन बाय एंड टेक केयर।